जो फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग के इस सेशन में मैं यहाँ आई हूँ। बहुत खुशी की बात है कि 2700 गार्ड्स का रिक्रूटमेंट भी हो चुका है, ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है और उसमें से 1400 एंड वैसे तो 2700 हमें करनी है, 1450 की शुरू हो चुकी है जिसमें से 710 महिलाएं, तो मोर देन 50% महिलाएं। ये बहुत ही पहली बार हुआ है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में महिलाओं का इस बार भागीदारी महिलाओं की बड़ी होने वाली है। बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी से ये लोग आगे जाएंगी, पर्यावरण को बचाएंगी, हमारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगी और जो सिचुएशन उस समय होती है उनको अच्छी तरह से हैंडल करें, उसके लिए मैंने आज इनको मैंने अपील भी की। और मैं भी क्योंकि एमएलए रही हुई हूँ सवाई माधोपुर से, तो मैं जानती हूँ क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं और उसके लिए ये लोग पूरी तरह से तैयार रहे। बड़ी जिम्मेदारी मिली है इनको और मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छी तरह से निभाएंगे। उदयपुर की घटना को हम कैसे टैकल करेंगे? उस पर बिल्कुल पूरा ध्यान दिया जा रहा है, पूरी तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसमें गंभीर है और अभी इसका चल रहा है पूरी कि क्या एग्जैक्टली हुआ और उसका रेजोल्यूशन जल्द से जल्द। नया टूरिज्म सेशन भी शुरू हो गया है, फॉरेस्ट एकेडमी वाली जो अभी डिमांड रखी गई उसको इस पे बिल्कुल उसके पूरी तरह से एग्जामिन भी किया जाएगा डिपार्टमेंट की ओर से, प्रस्ताव जब बनेगा ध्यान पूरी तरह से। नया मैम टूरिज्म सीजन स्टार्ट हो गया है, इको टूरिज्म और टूरिज्म को किस तरह से मिलाकर के आप देखते हैं, नए पॉलिसीज भी बनाई गई है और कितना मिलजुल करके आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बिल्कुल, इको टूरिज्म बहुत जरूरी है, पर्यावरण जैसा मैंने कहा हमारा एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी, ये दोनों चीजें आजकल हर टूरिस्ट चाहता है कि जो भी चाहे वो होटल हो चाहे वो कोई टूरिस्ट प्लेस हो वहाँ वो कितना एनवायरमेंट पे एनवायरमेंट को बचाने पे सरकार ध्यान दे रही है या कोई प्राइवेट स्टेक होल्डर है वो ध्यान दे रहा है। आजकल चॉइस ऑफ होटल और चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन भी उस पर डिपेंड करता है, तो हम लोग भी इस पर ध्यान दे रहे हैं कि वो ज्यादा प्रमोट हो और ऐसे नए डेस्टिनेशन जो कि इको टूरिज्म जोन्स में आते हैं या एक नए इको टूरिस्ट साइट्स को हम लोग डेवलप करें। सांभर पे भी हम लोग देख रहे हैं क्या हम लोग वहाँ कर सकते हैं, वो भी वही है, वो भी एक देखा जाए तो इको टूरिज्म साइट ही है, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं और भी नए क्षेत्र जो कि पहले किसी ने ना देखी हो उनको भी हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। टूरिज्म यूनिट पॉलिसी बहुत जल्दी घोषित होने वाली है, उसमें भी हम लोगों ने इस बार बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ध्यान दिया गया है। आपने देखा रिप्स पॉलिसी पे भी टूरिज्म को विशेष पैकेजेस दिए गए हैं, उस पर भी बहुत कुछ छूट दी गई है टूरिज्म यूनिट्स के लिए और आगे आने वाले समय में ये जो सरकार है भजन लाल जी के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से हम लोग डेफिनेटली टूरिज्म को एक बहुत बड़ा सेक्टर बनाएंगे राजस्थान में। अभी भी है लेकिन पोटेंशियल और भी है। चुनौतियां बहुत थी पिछली सरकार की फाइनेंस के मामले में, किस तरह से आप उन खड्डों को भर रहे हैं? क्या बहुत चुनौतियां थी डेफिनेटली, मैं मानती हूँ जिस तरह से पूरे खजाने को खाली कर दिया और रेवड़ियां बांटी वो बहुत बहुत दुख की बात है। राजस्थान की जनता को इन्होंने इस तरह से झूठ बोला, झूठी घोषणाएं की लेकिन सचमुच में धरातल पे कुछ नहीं किया, वो चुनौतियों का सामना भी हम कर रहे हैं और उसका बिल्कुल समाधान भी निकाल रहे हैं। धन्यवाद।